एक्शन। खड़े हो हाँ। जिस रिश्ते की बुनियाद धोखा हो कभी नहीं जोड़ सकता। एक्शन में सब लोग एंटर करेंगे। रोलिंग। पहले एक ऐसे से जाएगा, ये दो लोग आप लोग एक साथ चलेगा, पहले उनको चलने दीजिएगा, फिर आप चलेगा, फिर आप जाना। रोल रोलिंग। एक्शन में थप्पी थोड़ा लाउड लेना शुरू करना। रोलिंग। वही लाइन लेना। रोलिंग रोलिंग। एक्शन। इसलिए उन्होंने बिहान को मेरी तरफ से
मैम थोड़ा सा राइट आके पीछे ना रोल रोलिंग रोलिंग गाइस रोलिंग रोलिंग मूड मत तोड़िएगा गाइस रोलिंग एक्शन बाल गुजरना लेफ्ट से हाँ ये लाइन लेकिन मेरी किस्मत आपके अच्छे के आगे बहुत बुरी है दादी आप मुझे थपकी
इंसान नहीं समझता आप मन समझिए, लेकिन प्लीज खिल खिलौना मत करो। मैं पहले ही बहुत डूब चुकी हूँ, अब और आप दोनों मुझसे बात कर रहे हो, मैं जानती हूँ आप लोग मेरा भला ही चाहते हो, लेकिन अभी ये मेरा तुमसे भी कोई शिकायत नहीं, शायद तुमने वो ही किया जो एक भाई अपने भाई के लिए करता है। तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे भाई के एक रुक रुक के बोलने वाली लड़की से चिढ़ाती हो, तो तुमने ऐसा ही किया जो तुम्हें ठीक लगा अपने भाई के लिए, उसका भला सोचा। मेरी साथी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, वो मेरी किस्मत, बस इतना ही है। आपकी बेटी बोलेंगे तो बाबूजी मेरे आप छोटे बलिंदर जी भी आ रहे हैं ना। ओके ठीक है। एसी कहाँ है? रोल बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। तुमने वही किया जो तुम्हें अपने भाई के लिए ठीक लगा, उसका भला समझा, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और वो मेरी किस्मत थी। मैं तो एक छोटे शहर से यार छोटी सी नौकरी करने आई थी, पर मेरे साथ ये क्या हुआ? हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं जानती हूँ, पर बाबूजी आप जानते हैं, मैं जब इस घर से जाऊंगी तो ये सारे रिश्ते अपने दिल में समेट कर जाऊंगी, सिवाय एक रिश्ते को छोड़। किसने बुखार एक बच्ची का दी है? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो मुझे, क्यों दुखाया तुमने उसका दिल? दादी हमने दिल नहीं दिखाया, और हमें तो बोला गया था। चुप हो, किसने बोला तुम्हें? चुप, मैं जानती हूँ किसने कहा होगा। प्रीति ने कहा ना, तुम दोनों एक दूसरे का काम करते रहती हो, है कि नहीं? शर्म नहीं आती तुम दोनों को ऐसी बकवास करते हुए? आपने तो
ऊपर लेके जाता हूँ, इसको भी करूँ रोलिंग, ये भी करूँ सर, एक्शन। तप्पी बेटा मैम वहां दीजिएगा, तप्पी बेटा, मैं और छुटकी ने एक प्लान बनाया है जिसमें एक लव लेटर लिखा है बिहान की तरफ से थपकी को और थपकी की तरफ से बिहान को, और उसे लवर्स पॉइंट पे 5 बजे मिलने के लिए बुलाया है। तो थपकी को ये पता चल जाता है एंड शी वाज वेरी अपसेट विथ अस। हम तो उसे एक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमारा भी फायदा है क्योंकि बड़ी सास माँ ने हमको बोला है कि हम अगर उनको एक करेंगे तो हमें हमारी वो ऑसम वाली डायमंड रिंग मिलेगी। तो हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और हम ये भी सोच रहे हैं कि थपकी और बिहान देवर जी एक हो जाए और खुशी खुशी साथ में रहे, पर थपकी ऐसा नहीं चाहती है। थपकी को ये रिश्ते से पहले से नफरत है क्योंकि धोखे से किया गया रिश्ता उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाई शी डिडंट लाइक हमने जो जो भी किया उसके साथ। हाल में बयान ने थपकी को बचाया था आग लगने से, एक सीक्वेंस हुआ था अभी, उसके बारे में बताइए। तो फिर भी क्यों इतनी नाराज़ है थपकी को? अब देखो, एक चीज़ हम बुरी करते हैं वो हमेशा हमको याद आती है, 100 चीज़ जो अच्छी की होती है वो कुछ मैटर नहीं करती है। तो जो धोखे से हुई शादी बिहान देवर जी ने थपकी के साथ की है, उसके सामने वो 100 भी अच्छा ही कर ले तो वो मैटर नहीं करती है। जी, बात समझ में आर्टिस्ट के तौर पे जो आपको नेगेटिव शेड होता है, मान लो कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है, तो कोई इंस्पायर्ड बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर बॉलीवुड में, मान लो बिंदु है और काफी सारे कैरेक्टर हैं, तो कुछ आई स्टिल रिमेंबर, वन सेकंड आई विल शो यू इफ आई हैव। कुमलिका, मैं स्कूल में थी तब शी वॉज दी वन, कुमलिका कुमलिका निका कुमलिका, आई मीन उसको देख के घर में हर कोई, आई मीन मी टू, हम गालियाँ देते थे, अरे यार ये क्यों आई, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं ये कहना चाहूँगी, हम ये थपकी प्यार की के शो में नेगेटिव नहीं कर रहे, वी आर नॉट नेगेटिव, वी आर नॉट कॉमेडी, हम यहाँ पे आते हैं एंटरटेन करने के लिए। और ऐसे ऐसे हो जाते हैं सिचुएशंस जिसमें हम से ऐसा कुछ काम हो जाता है। आई लव अमिताभ जी, ही इज द जैम ऑफ द पर्सन।
मेरे पापा हमेशा 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 उनकी आवाज़ में हमसे बात किया करते थे जब वो शॉप से आते थे। रात को वो बच्चन की आवाज़ के अलावा अपनी आवाज़ में बात ही नहीं करते थे। एक बच्चन की आवाज़ में बात करते थे और एक कुत्तों की आवाज़ में बात करते थे, हमको डराते थे। सो मेरे पापा के वो बहुत ही अच्छे फैन रहे हैं और मैं इतनी लकी हूँ कि मैं बच्चन फैमिली से एक बार मिल के डिनर कर चुकी हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड जस्ट गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू सो मच। थपकी हमसे नाराज़ है क्योंकि हम लोग बिहान और थपकी को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दोनों में प्यार हो जाए, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए, क्योंकि ये सब काम करने के लिए हमको बड़ी सासू माँ ने कहा है लालच दे के कि तुमको हम हीरे की अंगूठी देंगे। और थपकी वो देख लेती है हम झूठा लव लेटर लिखते रहते हैं, तो क्योंकि थपकी तो सर ध्रुव सर से प्यार करती है तो वो नहीं चाहती कभी भी उसके साथ रहूं, तो इसलिए वो देख लेती है और वो गुस्सा है, इसलिए नाराज़ है हम लोग से। उसके लिए तो मुझे भी नहीं पता कि अभी तक क्या, ये तो सब राइटर्स को ही पता होता है जैसे जो लिखते हैं। बट अब ये अब एकदम से प्यार नहीं जागता ना, कि थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ें आ रही है। कि पहले तो उसको वहीं पे लगता है, एक्चुअली बचाते ध्रुव सर हैं, उसको लगता है कि बिहान ने बचाया है, और धीरे धीरे वो रियलाइज करेगी इन सब चीज़ों को। क्योंकि मे बी एकदम से जब प्यार होता है तो ऑल ऑफ सडन हम रियलाइज नहीं कर पाते कि प्यार हो गया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे देन दे विल रियलाइज। नहीं, मैं बहुत बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। इट्स लाइक नेगेटिव पॉजिटिव, सिचुएशनल नेगेटिव पॉजिटिव होता है। बेसिकली हम लोग बहुत लालची टाइप के हैं और हम लोग का ये है कि हमको जहाँ अपना फ़ायदा दिखता है हम उधर हो लेते हैं। अगर कल को हमको थपकी के साथ फ़ायदा दिखेगा हम थपकी की तरफ हो लेंगे, बड़ी सासू माँ के साथ फ़ायदा दिखा तो। और बेसिकली क्या है, ये तीन जेठानी है तो उनमें जो कॉम्पिटिशन होता है कि भाई इस बहू को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसको कम करते हैं, तो वो वाली जेलसी फैक्टर है। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी की मर्डर करा देंगे या किसी को मार देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब हम कुछ प्लान छोटा मोटा करते हैं लेकिन वो कुछ बड़ी चीज़ें बन जाती है। इट्स लाइक दैट।